हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर मीम रिएक्शन वीडियो, जहां पर को मैं ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था ना, उससे रिलेटेड मीम रिव्यू करने वाला हूं। और भी बहुत सारे मीम्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, जैसे श्रीलंका वाले भी हैं, तो चलो बिना देरी किए इन पे टूट पड़ते हैं। ओके, आज का जो पहला मीम है वो है फुटप्रिंट्स ऑफ एबी डी विलियर्स, जब उसने 162 रन बनाए थे 66 बॉल्स में, बहुत ज़्यादा मतलब वो हिला डुला था। लेकिन फुटप्रिंट्स ऑफ ग्लेन मैक्सवेल, जब उसने 201 रन बनाए 128 बॉल में, ऑब्वियसली यार कल बंदा मतलब बहुत गंदा वाला इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से यार वो हिल नहीं रहा था। लेकिन अफगानिस्तान के बोलर्स का जो ब्रेन फेड मूवमेंट हुआ ना यार, मतलब उस बंदे को सिर्फ पैड ही में बोलिंग कराने में लगे हुए थे यार। भाई कराओ ना, देखो ऑफ स्टंप में मतलब बोलिंग नहीं करा सकते थे लोग, एक बात बताओ तो, उतनी जगह है, वो बंदा हिल नहीं पा रहा है, स्टिल उस बंदे को यार पैड में बोलिंग कराते जा रहे हैं। भाई वो बंदा हिले बिना हिले मतलब यार छक्के मारने में लगा है, कभी ऐसे छक्का मार रहा है, कभी ऐसे छक्का मार रहा है, कभी रिवर्स में छक्का मार रहा है। सो बैड यार अफगानिस्तान वालों, आई मीन यार थोड़ी अच्छी बोलिंग तो करानी चाहिए थी भाई इन लोगों को। नेक्स्ट मीम है पैट कमिंस के ऊपर, जो यार न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही ज्यादा तेज वाली इनिंग्स खेल के गया था, लेकिन जब इस बंदे को यार आराम से टुक टुक वाली इनिंग्स खेलने की जरूरत थी, ये बंदा टुक टुक भी खेल गया। अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत ही ज्यादा इसने टुक टुक खेला, ऑब्वियसली यार दूसरी तरफ से जब मैक्सवेल ऐसा कारनेस जा रहा है, तो इस बंदे को सिर्फ एक ही काम करना था, अपना विकेट बचा के रखना था। इस बंदे ने अपना काम कर दिया है और मैं कहना चाहूंगा भाई सही में यार ये बंदा रियल डेफिनेशन ऑफ ऑलराउंडर रहा है इस वर्ल्ड कप में। ओके, नेक्स्ट मीम है रिजवान के ऊपर, 180 डिग्री बैट्समैन आए, ये क्या होता है भाई 180 डिग्री बैट्समैन क्या होता है भाई रिजवान को रखाएगा यार। ओके, 270 डिग्री बैट्समैन ये है अपना मैक्सवेल भैया ऑब्वियसली यार। तीसरा 360 डिग्री बैट्समैन एबी डी विलियर्स ऑब्वियसली यार। 720 डिग्री बैट्समैन राशिद खान, अरे हाँ यार ये बंदा शॉट्स बड़े कमाल के मार रहा है यार, ऐसा लगता है कुछ चीजें इसने हरभजन सिंह से ले रखी हैं, कुछ चीजें एमएस धोनी से ले रखी हैं, उन दोनों को जब आप मिला देते हो ना आपको राशिद खान मिलता है, बताया ऑब्वियसली यार। कल इसने लास्ट में जो शॉट्स खेले थे आईपीएल में भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सही भाई 720 डिग्री बैट्समैन गाइस को। नेक्स्ट मीम है ओडीआई वर्ल्ड कप में जो थ्रिलर वाले मैचेस रहे हैं उसके बारे में, अफगानिस्तान नीदरलैंड छोटी टीम थी ये जीत गई, ऑब्वियसली यार बहुत से लोग खुश थे। फिर यार साउथ अफ्रीका ने जो पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट विकेट था शायद उनका, तो वहां पर को जो विक्ट्री हासिल की थी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कमाल की थी। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश ये भी कोई मैच हुआ है यार, ये कंट्रोवर्सी की वजह से थोड़ा इसको लाइमलाइट मिल गई, लेकिन स्टिल यस भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और लास्ट में भाई ग्लेन मैक्सवेल ग्लेन मैक्सवेल ने तो जो धोया है ना भाई गॉड यार, भाई इसके पैर नहीं चल रहे थे, लेटा हुआ था, उसके बाद भी जो इनिंग्स खेल के गया है, दोहरा शतक भाई चेस करते हुए नंबर 6 का बैट्समैन, आई मीन वन हेल ऑफ अ इनिंग्स यार, बेस्ट इनिंग्स आई हैव एवर एवर सीन मैन। नेक्स्ट मेरे ख्याल से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड को लेके है, जहां पर को यार ऑस्ट्रेलिया वालों ने ये चीज कर दी है, ऑब्वियसली नंबर 1 में आप देख सकते हो, नंबर 2 में हमारे अश्विन भैया ने जो मैन गेटिंग की थी इस तरह से भी आउट कर ही दिया है, एक ही बचा हुआ था टाइम आउट, और एंजेलो मैथ्यूज वो फाइनली हो चुका है। मतलब यार इन चारों में ना एंजेलो मैथ्यूज जो आउट हुआ ना भाई, मुझे इतनी हंसी आई ना सही में, कौन सा मीम मुझे याद आ रहा था बताए, आप लोग रॉयल रंबल देखते हो, WWE देखते हो, वहां पर को यार सेंटरो मरेला करके यार एक रेसलर हुआ करता था, तो रॉयल रंबल में जैसे ही आता है ना केन उसको बाहर फेंक देता है, सेम ऐसा ही वाला एंजेलो मैथ्यूज के साथ हो रखा है भाई को। ओके, नेक्स्ट मीम है इस अंपायर को लेके जो हजबुल्ला टाइप का लगता है, ओके इरेस्मस है इसका नाम, कंट्रोवर्शियल मैचेस में इसकी रहने की आदत है भाई, एक बार फिर श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में यही बनना था अंपायर, अरे भाई साहब पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली कैसे आगे आ जाता हूँ, भाई ऑटोमेटिकली नहीं आता, अब तो मुझे लग रहा है भाई इसको भेजते हैं जानबूझ के, पहले से ही पता होगा ना इस मैच में होने वाली है करके कुछ गड़बड़, इसको पहले से ही सेंड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट मीम एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल को लेके, जिसने 201 रन बनाए थे, वीडियो गेम्स के इजी मोड वाली क्रिकेट रियलिटी में खेलने का कमेंट है, हाँ यार भाई बहुत ही तगड़ा खेला यार सही में। नेक्स्ट मीम 2023 वर्ल्ड कप में पैट कमिंस द बैट्समैन इज ग्रेटर देन टिम्बा बहुआ द बैट्समैन, जॉस बटलर द बैट्समैन, हाँ यार भाई टिम्बा बहुआ तो खैर मेरे ख्याल से अभी भी उस बंदे के पास चांस है, अभी भी मैं मतलब यार उसको लेके बहुत ज्यादा होप में हूँ कि वो जो बंदा है नॉकआउट वाले मैचेस में आपको एक अलग ही रूप में देखने को मिलेगा, और जॉस बटलर के बारे में क्या ही कहूँ यार, इनकी तो खैर टीम बाहर हो ही चुकी है, तो ऑब्वियसली यार पैट कमिंस द बैट्समैन ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है इस वर्ल्ड कप में। ओके, नेक्स्ट मीम है रोहित शर्मा को लेके, ओके 2003 की ऑस्ट्रेलिया और 2007 की ऑस्ट्रेलिया, 2015 की इंडिया और 2023 की इंडिया, भाई 2023 की इंडिया जैसा तो कोई भी नहीं है सही में यार, आई थिंक हम मतलब ऑस्ट्रेलिया की उस टीम को कंपेयर कर सकते हैं बताए इस टीम से, बिकॉज इस टाइम पे को जो हमारा बॉलिंग है बहुत ही ज्यादा कमाल का, आई डोंट थिंक यार शायद मुझे ऐसा लगता है ना मतलब अभी तक की जितनी भी टीम्स हो रही हैं, अभी तक जितनी भी क्रिकेट खेली गई है, अभी के टाइम जो हमारी बॉलिंग है शायद यार वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट क्या मैं तो ये भी बोलूंगा कि ऑल टाइम बेस्ट हो सकती है, अब मैंने यार पुराना टाइम का इतना देखा नहीं है तो मुझे उतना अंदाजा नहीं है, लेकिन स्टिल आई कैन से यार कि ऑल टाइम बेस्ट हो सकती है भाई हमारी इस टाइम पे को तो बॉलिंग। नेक्स्ट मीम ऑब्वियसली यार जय शाह के ऊपर है, एंटरटेनमेंट में कोई कमी हो तो बताना भैया, ईडन गार्डन्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी करवा दिया आप तो, पूरा भरोसा है मुझे ईडन गार्डन्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है यार सही में। नेक्स्ट मीम दे आर 7 डाउन, इट्स एन इजी विन फॉर अस, ऐसे कैसे
आगे का मैं नहीं बोलता हूँ यार, आप लोग पढ़ लो। बट यस भाई, मैंने भी यही सोचा था यार, 7 डाउन हो चुके हैं तो ये लोग 3 विकेट जल्दी ले लेंगे करके। बट इट्स अफगानिस्तान मैन, कोई रीजन तो होगा ना यार, ये अभी अपकमिंग टीम्स में कही जाती है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया यार, क्या सोचा था आप लोगों ने? ऑस्ट्रेलिया की टीम का डाउनफॉल हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स हो जाती है आराम से। ऑस्ट्रेलिया यार मतलब ऐसे ही नहीं रही है यार टॉप में इतने सालों तक, कुछ तो क्वालिटी है इनके अंदर। नेक्स्ट मीम है पाकिस्तान को लेके, पॉइंट्स इनके 8 हैं, मैच इन लोगों ने 8 खेले हुए हैं। सिनारियो क्या है भाई? विन द लास्ट गेम एंड होप न्यूजीलैंड लोज देयर लास्ट गेम और क्रॉस द नेट 100 विद अ बिग विन। क्या कहूँ यार मैं पाकिस्तान के बारे में भाई, गॉड दूसरों पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं ना हमेशा यार। T20 वर्ल्ड कप में भी देख लो, इस बार भी देख लो, इसी वजह से ना मैं इन लोगों को नॉकआउट स्टेजेस में नहीं देखना चाहता हूँ। लेट्स होप यार न्यूजीलैंड जीत जाए भाई। क्रिकेटर्स हु हैव बीटन पेन, सबसे पहले कौन है मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई। दूसरे नंबर पे तो अनिल कुंबले सर है बिल्कुल भाई, ओके। तू नहीं रिजवान भैया, समटाइम्स इट्स क्रैम्स, समटाइम्स इट्स एक्टिंग फॉर देयर कंट्री। ऑब्वियसली लास्ट में मैक्सवेल है यार, रिजवान भैया यार नाटक कम कम करा करो यार तुम भाई। नेक्स्ट मीम है विराट कोहली सोडियम के जैसे हैं, कह रहे हैं हाईली रिएक्टिव एक्सप्लोड्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, ओके। मैक्सवेल भैया क्लोरीन पॉइजनस एंड डेडली गैस, लेकिन जब तुम इन दोनों को मिला देते हो तो ये दोनों एक साथ खेलते हैं आरसीबी की तरफ से, जहां पर कोई फूड प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ओ भाई साहब क्या मीम बनाया यार भाई, गॉड मजा आ गया सही में यार। देखो इंडिविजुअली ना ये अपनी अपनी टीम के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टाइप की पारियां खेलते हैं, कमाल की इनिंग्स खेल के जाते हैं, लेकिन जब आरसीबी में आते हैं इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाते हैं। इज एवरी वन गिविंग क्रेडिट टू ग्लेन मैक्सवेल व्हेन मिचेल मार्स ऑलरेडी फिनिश द गेम इन पावर प्ले विद हिज 24 बाई। ओ भाई साहब मैं समझ गया यार, रोहित शर्मा को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मतलब देखो रिसेंट टाइम में लोग क्या बोल रहे हैं कि यार रोहित शर्मा पावर प्ले में इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल के जा रहे हैं जिसकी वजह से टीम जीत गई है, तो ये जो लड़की है यार उसको ट्रोल करना चाह रही है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं इस पे यार कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आई थिंक विराट कोहली रोहित शर्मा जो भी इनिंग्स खेल रहे हैं डेफिनेटली यार टीम को कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट कर रही है। 8-0 से इस टाइम पे गोवा आगे हैं, तो डेफिनेटली मैं ट्रोल नहीं करना चाहूंगा। लेकिन यार स्टिल इट्स अ मीम, आप लोग देख के अगर हंसना चाहते हो तो हंस लो, अगर नहीं हंसना चाहते हो तो आपकी मर्जी भाई। When they are comparing your batting to yesterday's innings, लेकिन Pat Cummins की innings के साथ, अरे भाई 68 बॉल में 16 रन बनाए Pat Cummins ने, यार ये जो काम है बाबा राजम ही करता है भाई। गॉड यार T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, इसका जो मतलब खेलने का स्टाइल है एक ही है भाई, बॉल ज्यादा खेलनी है, कम रन बनाने, ये इसका फंडा है भैया। नेक्स्ट मीम, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट्स थ्रू पेन, नॉट यू, समटाइम इट्स एक्टिंग फॉर देयर कंट्री। रिजवान भाई गॉड यार वो वाला जो इसने सीन किया ना यार, समटाइम्स इट्स एक्टिंग समटाइम्स इट्स क्रैम वाला, भाई भाई गॉड यार मीम मटेरियल बन गया ये बंदा। ओ राशिद इज देयर एनीथिंग यू कांट डू, तो रंजन भाई कहते हैं शो बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ यार भाई जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इन लोगों की जो एज है ना भाई जो दिखाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगती है, इनकी शक्ल ऐसी लगती है कि यार 30 के पार वाले प्लेयर हैं। तो डेफिनेटली यार राशिद भाई दिखा सकते हो कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट, हम लोग यार देखना चाहते हैं तुम कितने साल के हो रियली में। फरीद खान भाई कह रहे हैं विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट इम्पैक्टफुल वर्ल्ड कप इनिंग्स, फखर जमान ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली या फिर ग्लेन मैक्सवेल ने जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेली। टेल मी ऑनेस्टली भाई, ऑनेस्टली बताऊं ऑब्वियसली यार ग्लेन मैक्सवेल भाई, कहां से तुम फखर जमान को लेके आ जा रहे हो, अच्छी इनिंग्स थी उस बंदे की। लेकिन भाई ग्लेन मैक्सवेल उसका मतलब यार पूरा एक पैर काम नहीं कर रहा था, वहां पर को ग्लेन मैक्सवेल आता है 200 रन की इतनी कमाल की इनिंग्स खेल के जाता है, रन भी यार उस बंदे से ज्यादा बना रखे और अपनी टीम को ऐसी सिचुएशन से जीत दिलाई है जहां से मतलब यार आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी ग्लेन मैक्सवेल यार। ये फरीद खान भाई गॉड यार पाकिस्तान का है तो ऑब्वियसली यार इससे क्या उम्मीद की जा सकती है, ऑब्वियसली अपने प्लेयर को हाइप कर रहा होगा ये बंदा। रन चाहिए वो भी मिलेंगे, विकेट्स चाहिए वो भी मिलेंगे, गन फील्डर चाहिए वो भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट चाहिए वो भी मिलेगा, बिल्कुल यार भाई। और अगर मतलब इम्पॉसिबल सी सिचुएशन से हार चाहिए वो भी मिलेगा भाई। क्या किया यार अफगानिस्तान वालों ने। लेकिन यस राशिद खान डेफिनेटली अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग क्रिकेटर मैन। यार आज का मीम रिव्यू बस इतना ही है।